Yes, good morning class 1. I'm your computer teacher Shrijit Kumar. I'm going to teach you new chapter number 4, using the mouse. Dear students, mouse ka upyog, iska istemal ke bare mein hum log samjhenge. Iska upyog hum computer mein kyun karte hain, kis liye kiya jata hai. Dear students, iske bare mein padhenge. Dear students, take the computer mouse. Yahan pe do mouse hai. यहाँ पे कंप्यूटर माउस को ठीक करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर माउस ये है, इसका यूज़ कंप्यूटर में किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आप लोग जानते होंगे. ओके, द कंप्यूटर माउस हैज़ टू बटन्स. डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के माउस में दो बटन्स होते हैं. सम ऑफ देम में हैव थ्री बटन्स टू, और कुछ माउस के ऊपर तीन बटन्स भी होते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते होंगे कि माउस में दो बटन्स भी होते हैं. कुछ ऐसे माउस हैं जिस पे तीन बटन्स भी होते हैं. द टू बटन्स ऑफ द माउस आर नॉन एज लेफ्ट एंड राइट बटन्स. वो जो दो बटन्स होता है माउस के ऊपर, एक बटन्स को लेफ्ट बटन्स बोलते हैं, दूसरे को राइट बटन्स बोलते हैं. द माउस ऑल्सो हैज़ ए स्क्रॉल व्हील. माउस में स्क्रॉल व्हील भी होता है, चक्के के जैसा गोल होता है. इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द टू बटन्स. और यह जो होता है वो दो बटन्स के बीच में, डियर स्टूडेंट्स, होता है. हियर इज़ अ डायग्राम ऑफ माउस. यहाँ पे माउस को देख पा रहे होंगे आप. यहाँ पे टू बटन्स है डियर स्टूडेंट्स. ये लेफ्ट साइड का, तो लेफ्ट क्लिक हो गया. एक बार यहाँ पे प्रेस करने पे लेफ्ट हो जाता है. ओके, ये लेफ्ट बटन है डियर स्टूडेंट्स. और यहाँ पे देखिए, ये राइट बटन है. ये ब्लू बटन्स के जस्ट बगल में जो राइट क्लिक है, वहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यानी राइट बटन से. और डियर स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू में नीला टाइप का जो दिख रहा है, ये स्क्रॉल है, व्हील है, लेफ्ट और राइट के बीच में स्थित है. और ये जो डियर स्टूडेंट्स है, वायर है. ये वायर है जो आपके सीपीयू बॉक्स में अटैच रहता है. इसके बारे में भी हम देख लेंगे. द माउस हैज़ अ वायर दैट अटैच द माउस टू द सीपीयू बॉक्स. द माउस हैज़ अ वायर, तार होता है डियर स्टूडेंट्स, दैट अटैच द माउस टू द CPU बॉक्स. जो माउस को CPU बॉक्स से कनेक्ट करता है, अटैच करता है. नाउ अडेज देर आर वायरलेस माउस, दे डू नॉट हैव अ वायर. आजकल वायरलेस यानी बिना वायर वाला भी माउस आ चुका है, जिसमें आपको वायर नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट वो कैच करता है. द माउस इज प्लेस्ड ऑन ए माउस पैड, इट इज़ अ फ्लैट. माउस को हम लोग माउस पैड पे रखते हैं, जो कि वो चौड़ा होता है, फ्लैट होता है, स्मूथ होता है, मुलायम होता है पैड. दैट हेल्प्स यू माउस द माउस स्मूथली, जो माउस को मूव करने में स्मूथली वो मूव करने में मदद करता है. ओके, हियर इज अ माउस पैड. ये नीचे में आप देख रहे होंगे, ये जो देख रहे हैं ये माउस पैड है. माउस हम लोग रखे हुए हैं, ये वायरलेस माउस से, बिना तार वाला माउस से डियर स्टूडेंट्स. ओके, आप लोगों ने भी देखा होगा. यस, When you move the mouse, an arrow is visible on the monitor. What is it called? Write the answer in the box. इस बॉक्स में आपको आंसर लिखना है स्टूडेंट्स. जब आप माउस को मूव करते होंगे तो मोनीटर पर एक सिम्बॉल देखते होंगे, एक एरो देखते होंगे, हाँ, जो दिखाई देता होगा, उसको क्या बोलते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, उसको कर्सर बोलते हैं या फिर पॉइंटर बोलते हैं. तो आप कर्सर भी लिख सकते हो और या फिर पॉइंटर भी इस बॉक्स में डाल सकते हो. ओके, क्या बोलते हैं? कर्सर या फिर पॉइंटर. ओके, द माउस कर्सर पॉइंटर कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. द थ्री मेन टाइप्स आर. और ये जो माउस का जो कर्सर्स या फिर पॉइंटर जो होता है, वो तीन डिफरेंट तरह का होता है. तो फर्स्ट इज एरो माउस कर्सर्स. यहाँ पे देखिए, एरो माउस कर्सर्स इस तरह का आपको दिखता होगा. सेकेंड में आप देख सकते हो हैंड माउस कर्सर, इस तरह का सिंबल दिखेगा. और थर्ड में आपको इस तरह का आई बी माउस कर्सर दिखता रहता है. तो ये डिफरेंट तरह के और आपको दिखता रहता है डियर स्टूडेंट्स. नाउ यूज़ ऑफ माउस. यहाँ पे माउस का यूज़, माउस का उपयोग के बारे में हम लोग समझेंगे. द कंप्यूटर माउस इज़ यूज टू परफॉर्म मैनी टास्क. कंप्यूटर माउस का यूज जो है मैनी टास्क यानी बहुत सारे कामों को करने में मदद करता है. टू पॉइंट एट पिक्चर्स, वर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स ऑन द मोनीटर पर. डियर स्टूडेंट्स, मोनीटर पर किसी भी पिक्चर्स को पॉइंट करने में, किसी भी वर्ड को पॉइंट करने में,
किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने में माउस का यूज़ किया जाता है, माउस का उपयोग किया जाता है। ओके डियर, टू सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे कि इमेज है, इमेज मीन्स होता है डियर स्टूडेंट तस्वीर बोल सकते हो, पिक्चर्स बोल सकते हो, तो किसी भी तरह की इमेज हम जो चाहते हैं, जो मेरा डिजायर है, अब उस इमेज को सेलेक्ट करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। टू स्टार्ट एनी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए माउस का, जैसे कि MS पेंट या ड्राइंग वगैरह ड्रॉ करना चाहते हैं तो उस प्रोग्राम को हम स्टार्ट करेंगे, लेटर वगैरह तो वर्डपैड का यूज़ करेंगे, तो जो भी प्रोग्राम है हम माउस का ही यूज़ करते हैं, बाई कीबोर्ड भी होता है लेकिन माउस का यूज किया जाता है। टू ड्रॉ पिक्चर्स, पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, टू प्ले गेम्स, गेम खेलने के लिए माउस का यूज़ किया जाता है, माउस के द्वारा ही हम गेम्स को कंट्रोल करते हैं। टू ओपन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए भी माउस का डियर स्टूडेंट्स यूज़ किया जाता है। तो हियर आर यूजेस ऑफ माउस, माउस का यूज़ दिया गया डियर स्टूडेंट्स, आप वन बाय वन करके आप लोग लर्न एंड राइट कर लीजिएगा माउस का यूज इस्तेमाल किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है। ओके नाउ टिक द करेक्ट सेंटेंस है, देर आर टू और माउस मोर बटन्स ऑन ए माउस, माउस पे दो या उससे ज़्यादा, यस तीन बटन्स होते हैं तो यस हो जाएगा। ए माउस इज़ यूज टू प्ले गेम्स, यस माउस का यूज़ गेम खेलने में भी यूज़ किया जाता है। एंड ऑल माउस डिवाइसेस हैव ए वायर्स, नो सभी में वायर्स नहीं होता, वायरलेस भी आजकल आ चुका है। ओके नाउ होल्डिंग द माउस, माउस को कैसे होल्ड करते हैं, कैसे पकड़ते हैं इसके बारे में देख लीजिए। ओके होल्डिंग द माउस, माउस को कैसे पकड़ा जाता है, द लुक एट द पिक्चर्स, ऑब्जर्व हाउ द हैंड्स इज होल्डिंग द माउस, इस पिक्चर्स को, इस तस्वीर को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए जो किस तरीके से माउस को पकड़ा जाता है। तो वी हैव टू हैंड्स, हम सभी के पास दो हैंड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, एक लेफ्ट हैंड एंड सेकेंड इज द राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द राइट हैंड्स और यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड्स हैं। ओके जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं वो लेफ्ट हैंड्स का यूज़ किया करते हैं, जो राइट हैंड्स का यूज़। ओके अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माउस है, माउस में आप देख पा रहे हैं जो ब्लू कलर का है वो राइट बटन हो गया, जो ग्रीन का है वो आपको लेफ्ट क्लिक हो गया, बीच में स्क्रॉल हो गया। ओके अब यहाँ पे देखिए, द माउस नीड्स टू बी हेल्ड विथ वन हैंड, माउस को एक हाथ से पकड़ने की ज़रूरत होती है। ओके द ग्रीन कलर्ड फिंगर नीड टू बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट माउस बटन, ग्रीन जो कलर का बटन है, ग्रीन कलर्ड फिंगर जो है नीड्स टू प्लेस द लेफ्ट, यानी लेफ्ट क्लिक का अगर यूज़ करना है तो वो ग्रीन ग्रीन कलर का जो बटन है उसकी ज़रूरत होती है। ओके द ब्लू कलर्ड फिंगर नीड्स, ब्लू कलर का फिंगर को ज़रूरत है प्लेस द राइट माउस, राइट माउस पे, तो यहाँ पे फिंगर ग्रीन है और यहाँ पे फिंगर ब्लू है, तो जो ग्रीन फिंगर्स है वो ग्रीन बटन पे होगा और जो ब्लू है वो ब्लू पे होगा। हियर यहाँ पे देखिए ग्रीन फिंगर है और यहाँ पे वो फिंगर्स है। ओके यस द ब्लू कलर्ड फिंगर नीड्स टू बी प्लेस्ड ऑन द राइट माउस बटन, राइट माउस बटन पे द स्क्रॉल व्हील नीड्स टू बी यूज्ड विद द ग्रीन कलर फिंगर, द पाम, पाम मिस होता है डियर स्टूडेंट हथेली, जो फिंगर के जस्ट नीचे का जो पार्ट्स होता है वो आपको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द माउस, माउस के जो बचे हुए जो भी पार्ट्स है उस पे रख सकते हो। ओके तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट हैंड्स है और लेफ्ट हैंड्स है, ओके ये ग्रीन फिंगर्स लेफ्ट बटन के लिए, ब्लू फिंगर्स राइट बटन के लिए, और ये पाम हो गया फिंगर्स और रिस्ट के बीच की पार्ट्स, पाम हो गया जो माउस के रिमेनिंग पार्ट्स पे आप रख सकते हो, पकड़ सकते हो, इस तरीके से आप माउस को होल्ड कर सकते हो, पकड़ सकते हो। ओके नाउ यूजिंग माउस बटन्स, माउस बटन्स का यूज़ कैसे करना है, प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द माउस बटन्स इज़ नोन एज क्लिकिंग, प्रेस करना, दबाना और छोड़ना, माउस के बटन्स को एक बार दबाएंगे, प्रेस करेंगे और रिलीज़ करेंगे, छोड़ेंगे, उसको क्लिकिंग बोलते हैं। ओके यूज़ ऑफ लेफ्ट एंड राइट क्लिक इज़ नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग ए टास्क, किसी भी काम को करने के लिए, ओके
लेफ्ट एंड राइट क्लिक करना नेसेसरी होता आवश्यक होता है. क्लिकिंग द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस वंस इज कॉल्ड लेफ्ट क्लिक. हाँ, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट बटन्स को एक बार प्रेस करना उसको लेफ्ट क्लिक बोलते हैं. लेफ्ट क्लिक हेल्प्स टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर. और लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट बटन का यूज, उपयोग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं. क्लिकिंग द राइट बटन्स ऑफ द माउस वंस इज कॉल्ड राइट क्लिक. एक बार जब हम राइट क्लिक को क्लिक करते हैं तो उसको राइट क्लिक करते हैं. राइट क्लिक हेल्प अस टू ओपन ऑब्जेक्ट्स ऑन द मॉनिटर. मॉनिटर पे किसी ऑब्जेक्ट्स को ओपन करने का, फोल्डर्स को ओपन करने का यूज हम करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो दिस वे योर चैप्टर हैज कंप्लीटेड. इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स. ओके, द वायर ऑफ द माउस इज अटैच टू द, माउस का वायर जो अटैच रहता है वो कहाँ रहता है डियर स्टूडेंट, तो CPU बॉक्स में रहता है. ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग बॉक्स में अटैच रहता है जो, वो वायर जो है माउस को और CPU बॉक्स को अटैच करता है, जोड़ता है. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, क्लिकिंग द लेफ्ट बटन्स वंस इज अ कॉल्ड, लेफ्ट बटन्स को एक बार क्लिक करते हैं तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेफ्ट. ओके, क्लिकिंग द राइट बटन्स इज वन कॉल्ड, उसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स राइट. ओके, एंड द माउस इज यूज टू, माउस का जो यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है व्यू ऑब्जेक्ट्स, डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स, या फिर क्वेश्चन नंबर सी, पॉइंट एट ऑब्जेक्ट्स. तो पॉइंट एट ऑब्जेक्ट्स जो है वो हो जाएगा. एंड द इज लोकेटेड, द डैश इज लोकेटेड बिटवीन द टू बटन्स, कौन सा बटन जो है जो दो बटन्स के बीच में होता है, स्क्रॉल और व्हील. स्क्रॉल व्हील यानी क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ओके, इसको लर्न कर लेंगे और राइट कर लेंगे. ओके, इसका वीडियो मैं फिर से एक बार बना के भेजूँगा, आप लोग अच्छे से इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, समझेंगे. ओके, बाय.